जैसे कि कुछ थोड़ा सा रह गया था, कल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज कुछ दो तीन स्लाइड आपकी है, उसको करा के फिर आज आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड, ठीक है, तो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है? दो चार स्लाइड आपकी रह गई है, तो इसको भी मैंने सोचा कि ये मतलब छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसको फटाफट से करके फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से कर लेते हैं। जैसे लिप्त, लिप्त का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। लिप्त मतलब किसी चीज में लगे रहना, लिप्त होना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निर्लिप्त, ठीक है? मार्जित, मार्जित का विपरीत क्या होगा? अमार्जित। तो मार्जित का अर्थ होता है साफ किया हुआ, ठीक है? साफ किया हुआ मार्जित का अर्थ होता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अमार्जित, ठीक है? ममता, ममता का विपरीत हो जाएगा निर्ममता, ठीक है? रूढ़, रूढ़ का विपरीत क्या होगा? स्वस्थ होगा, ठीक है? तो रूढ़ क्या है? जो रूढ़ आपका बीमार हो, ठीक है, बीमार हो, अस्वस्थ हो, वो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा, ठीक है? और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? स्वस्थ। स्वस्थ मतलब हेल्दी होना, ठीक है, हेल्दी होना। रसिक, रसिक का विपरीत क्या हो जाएगा? नीरस, ठीक है? रसिक का विपरीत क्या हो जाएगा? नीरस, मतलब जिसमें रस ना हो, और रसिक मतलब जिसमें रस हो। रत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में आपका दो इंपॉर्टेंट है। रत, रत का विपरीत क्या हो जाएगा? वीरत। तो रत का अर्थ होता है लीन होना, किसी चीज में लीन होना। जैसे कहते हैं कार्यरत, कार्यरत मतलब कार्य में लीन होना, तो इसी तरीके से रत का अर्थ क्या होता है? लीन होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वीरत, ठीक है? ग्रंथित, ग्रंथित का विपरीत क्या होगा? विकीर्ण। तो ग्रंथित का अर्थ होता है बंधा हुआ, ठीक है? और विकीर्ण का अर्थ क्या होता है? विकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ, अलग, ठीक है? तो विकीर्ण का अर्थ होता है अलग, बिखरा हुआ, और ग्रंथित का अर्थ क्या होता है? बंधा हुआ। तो ग्रंथित का विपरीत क्या होगा? ग्रंथित का विपरीत आपका हो जाएगा विकीर्ण। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आज ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि अभी हम एमसीक्यू भी देखना है। मूल का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्मूल। तो मूल आपका क्या होता है? जो मूल होता है, जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। दिव्य, दिव्य का विपरीत क्या हो जाएगा? लौकिक और आदिव्य दोनों होगा, ठीक है? दृढ़, दृढ़ का क्या हो जाएगा? दोलायमान, ठीक है, दोलायमान, जिसमें गति हो। दृढ़ मतलब जो एक जगह स्थिर हो। दृढ़ क्या होता है? दृढ़ जो होता है वो एक जगह वो स्थिर होता है, और दोलायमान मतलब जिसमें गति होती हो, ठीक है? दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का विपरीत क्या हो जाएगा? अदूरदर्शिता, मतलब जो दूरदर्शी हो, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अदूरदर्शी। द्वैत, द्वैत का विपरीत क्या हो जाएगा? अद्वैत। तो द्वैत में क्या होता है? द्वैत में, द्वैत का अर्थ होता है दो होने का भाव, मतलब अलग अलग होने का भाव, या दो दो होने का भाव, भाव आपका क्या कहलाएगा? द्वैत। जैसे ईश्वर और हम है, मतलब भक्त और ईश्वर, तो ईश्वर और भक्त को अलग अलग मानना आपका क्या कहलाएगा? द्वैत कहलाएगा, ठीक है? तो द्वैत में क्या होता है? दो होने का भाव होता है, ठीक है? तो द्वैत का विपरीत क्या हो जाएगा? अद्वैत। द्रुत, द्रुत का विपरीत क्या हो जाएगा? मंथर। तो द्रुत का अर्थ होता है तीव्र, जैसे कहते हैं द्रुतगामी रेलगाड़ियां, तो जो तीव्र गति से रेलगाड़ियां चलती, तो द्रुत का अर्थ क्या होता है? द्रुत का अर्थ होता है तीव्र, ठीक है, तीव्र। दरिद्र, दरिद्र का सभी को पता है, जो गरीब हो, ठीक है, जो अभाव में हो, और संपन्न मतलब जो जिसके पास सारी सुख सुविधा, सारी सुख सुविधा है। जैसे आप अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, तो दरिद्र का क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा, ठीक है? आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, ठीक है? आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, तो एक बार आप लोग क्या करें, क्लास को शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं। रक्षक, रक्षक का विपरीत क्या हो जाएगा? भक्षक, ठीक है? रचना, रचना का क्या हो जाएगा? ध्वंस। तो रचना में क्या होता है? निर्माण होता है, और ध्वंस में क्या हो जाएगा? विनाश होगा, ठीक है, विनाश होगा। यथेष्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यथेष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वल्प। तो यथेष्ट का अर्थ क्या होता है? काफी, पर्याप्त, ठीक है? यथेष्ट का अर्थ क्या होता है? काफी, पर्याप्त, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? स्वल्प हो जाएगा, ठीक है? याचक, याचक का विपरीत क्या हो जाएगा? दाता।
तो याचक जो होता है वो कौन होता है, वो मांगने वाला होता है, और दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो याचक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। युयुत्सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, युयुत्सा, युयुत्सा का विपरीत क्या हो जाएगा, मैत्री। तो युयुत्सा में क्या होता है, जिस जो युद्ध करता है, युद्ध करने की इच्छा, ठीक है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, मैत्री, ठीक है। यति, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यति आपका क्या है, यति आपका इंपॉर्टेंट है। तो यत का विपरीत क्या हो जाएगा, गृहस्थ। यति का विपरीत क्या हो जाएगा, गृहस्थ होगा। तो यति में क्या होता है, यति वो होते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं, उन्हें यति कहते हैं, या ये भी आप कह सकते हैं जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, या जो सभी इच्छाओं पर विजय पा लिया हो, इंद्रियों पर या कहिए इच्छाओं पर विजय पा लिया हो, वो क्या कहलाएगा, यति कहलाएगा, ठीक है। तो यति सन्यासी को भी कह सकते हैं, ठीक है। या आप जैसे बुद्ध, आपके महावीर स्वामी, ये सब क्या है, ये यति कहलाएंगे, ठीक है। तो यति का विपरीत क्या हो जाएगा, गृहस्थ, मतलब जो गृहस्थ जीवन में है। मुख का क्या हो जाएगा, मुख मतलब यहाँ पे मुख का क्या हो जाएगा, प्रतिमुख और पृष्ठ। तो मुख का यहाँ पे अर्थ क्या है, सामने से, ठीक है, जैसे हमारे आमने सामने मुख होना, ठीक है। तो मुख का अर्थ यहाँ पर सामने से है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिमुख मतलब विपरीत, विपरीत, ठीक है, विपरीत मुख और पृष्ठ। पृष्ठ का अर्थ क्या हुआ, पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिमुख और पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। छंदबद्ध होना, ठीक है, और छंद मुक्त होना। तो छंदबद्ध का विपरीत क्या हो जाएगा, छंद मुक्त, मतलब छंद सहित होना और छंद रहित होना, ठीक है। मानवता का निशंसता हो जाएगा, निशंसता मतलब जैसे क्रूरता से है, निरंकुश से है, ठीक है, ठीक है। चिंता का क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, ठीक है। च्युत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, च्युत का क्या हो जाएगा, अच्युत हो जाएगा, ठीक है। च्युत का क्या हो जाएगा, अच्युत। तो अच्युत का अर्थ क्या होता है, अटल होना, स्थिर होना, ठीक है, अटल होना, स्थिर होना आपका क्या कहलाएगा, अच्युत कहलाएगा। और च्युत जैसे कहते हैं पदच्युत, तो पदच्युत का अर्थ क्या होता है, किसी को पद से हटा देना, ठीक है, पद से हटा देना, क्या आपका क्या कहलाता है, च्युत। तो अच्युत होता है स्थिर, अटल, अपनी जगह पे स्थिर होना, और च्युत मतलब अपनी जगह से हटा देना, ठीक है, हटा देना, इसीलिए बोलते हैं ना कि पदच्युत। तो पदच्युत का अर्थ होता है पद से हटाना। चित का विपरीत क्या हो जाएगा, अचित हो जाएगा, ठीक है। चातुर का विपरीत क्या हो जाएगा, मूर्खता, सभी को पता है चातुर का अर्थ होगा चालाक, और मूर्खता का क्या हो जाएगा, मूर्ख। तुकांत, तुकांत का विपरीत क्या हो जाएगा, अतुकांत। तो तुकांत मतलब ऐसा शब्द जिसका अंत तू पे हो, ठीक है, तू पर आकर जिसका अंत हो जाए, तू पर आकर जिसका अंत हो जाए उसे क्या कहेंगे, तुकांत। जैसे आप हिंदी पढ़ते होंगे तो उसमें आकारांत, इकारांत, उकारांत आता है ना, आप वचन में जाएंगे, वचन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो तू पर आकर जिसका अंत हो जाए वो क्या कहलाएगा, तुकांत, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अतुकांत हो जाएगा, ठीक है, अतुकांत। भूषण, भूषण का विपरीत क्या हो जाएगा, कुभूषण और दूषण। तो भूषण का अर्थ जैसे कहते हैं सुंदर से है, जेवर, गहना, इसको क्या बोलते हैं, भूषण। और भूषण इसीलिए आभूषण, जो आपको जेवर गहना को क्या बोलते हैं, आभूषण। तो भूषण का अर्थ होता है जेवर, गहना, ठीक है, और सुंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भूषण का अर्थ सुंदर से है, ठीक है। तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, दूषण। दूषण का अर्थ क्या हो गया, गंदा, ठीक है, कुभूषण मतलब जो सुंदर ना हो, ठीक है। तो भूषण का विपरीत क्या हो जाएगा, कुभूषण, दूषण, ठीक है। मृदुल, ये आपका काफी बार रिपीट हो चुका है, तो मृदुल का अर्थ क्या होता है, मृदुल का अर्थ होता है मुलायम, कोमल, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कठोर, ठीक है। भंजक, भंजक का विपरीत क्या हो जाएगा, योजक। तो भंजक का अर्थ क्या होता है, भंजक का अर्थ होता है तोड़ने वाला। जैसे महमूद गजनवी क्या था, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया
तो उन्होंने उसने क्या किया, मूर्ति भंज, उसे मूर्ति भंजक क्यों कहा गया, क्योंकि उसने मंदिरों, जो मंदिर था ठीक है, मंदिर में जो मूर्तियों को क्या किया, तोड़ा ठीक है, मूर्तियों को तोड़ डाला ठीक है, बहुत सारा वहां पे लूटा ठीक है, लूटपाट किया, तो इसलिए गजनवी को क्या कहते थे, मूर्ति भंजक भी कहते थे। तो भंजक का अर्थ होता है तोड़ने वाला ठीक है, तोड़ने वाला। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, योजक, तो योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला ठीक है, तो भंजक का अर्थ होगा तोड़ने वाला और योजक का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ने वाला ठीक है, जोड़ने वाला। भीषण, भीषण का विपरीत क्या हो जाएगा, सौम्य ठीक है। भ्रांत, भ्रांत बता चुके हैं कई बार कि भ्रांत का अर्थ क्या होता है, जो कंफ्यूज हो ठीक है, जो कंफ्यूज होता है, जो संदेह में होता है ठीक है, जो डाउट में होता है ठीक है, डाउट में होता है, जिसको संदेह होता है वो आपका क्या कहलाएगा, भ्रांत ठीक है। और निर्भ्रांत, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, वो आपका क्या कहलाएगा, निर्भ्रांत ठीक है। भयाक्रांत और भयशून्य, तो जिसको भय हो ठीक है, जिसको भय हो, जो भयभीत है वो आपका क्या कहलाएगा, वो भयाक्रांत कहलाएगा ठीक है। हाँ राइट, विध्वंसक, विध्वंसक उसका एक समानार्थी शब्द हो सकता है ठीक है, समानार्थी शब्द हो सकता है। तो भयाक्रांत जो भयभीत है ठीक है, और भयसुन जिसमें भय ना हो ठीक है। भक्ष, भक्ष आपका इंपॉर्टेंट है, तो भक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, भक्ष का अर्थ होता है, भक्ष का अर्थ क्या होता है, जो खाए जाने योग्य हो, जैसे आपके खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं, खाए जाने के योग्य होते हैं, तो इसलिए भक्ष का अर्थ क्या होता है, भक्ष का अर्थ होता है खाए जाने के योग्य, खाए जाने के योग्य। तो जैसे आपका क्या हो गया, खाद्य पदार्थ, भोजन, भोजन खाद्य पदार्थ क्या है आपका, भक्ष है, और अभक्ष जिसे खाया ना जा सके ठीक है। पाप चेता का विपरीत क्या हो जाएगा, पाप मुक्त होगा ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, पाप मुक्त। पृष्ठ भाग मतलब पीछे का भाग, अग्रभाग मतलब आगे का भाग। प्रसाद, प्रसाद का विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद, तो प्रसाद का यहाँ पे अर्थ हो सुख से ठीक है, प्रसाद का अर्थ यहाँ पे सुख और प्रसन्नता से है ठीक है, और विषाद का अर्थ क्या होता है, दुख ठीक है, दुख। गौरव हेलो नमस्ते ठीक है, तो प्रसाद का विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद, तो प्रसाद का अर्थ यहाँ पे क्या है, सुख से है और प्रसन्नता से है ठीक है, और विषाद का अर्थ क्या है, दुख से है ठीक है, दुख से है। हाँ राइट, प्रेषक का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रेषिती, तो प्रेषक में क्या होता है, प्रेषक होता है भेजने वाला ठीक है, प्रेषण करने वाला, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रेषिती हो जाएगा। मंद का क्या हो जाएगा, त्वरित, तो मंद क्या होता है, मंद का अर्थ होता है स्लो, धीमा, आपका मंद कहलाएगा ठीक है। त्वरित मतलब जिसमें तीव्र 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 हो ठीक है। बोधगम्य का विपरीत क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा ठीक है, तो बोधगम्य ठीक है, बोधगम का अर्थ क्या हुआ, जिसका बोध हो सके ठीक है, जिसका बोध हो सके वो क्या कहलाएगा, बोधगम्य कहलाएगा। और दुर्बोध मतलब जिसका बोध होना कठिन हो ठीक है, जिसको जानना कठिन हो वो आपका क्या कहलाएगा, दुर्बोध कहलाएगा ठीक है। मनुष्यता, मनुष्यता का विपरीत क्या हो जाएगा, पशुता ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ध्रुव का क्या हो जाएगा, ध्रुव का विपरीत क्या होगा, स्थिर, ध्रुव का विपरीत आपका होगा स्थिर। तो आपको एक बार ये लग रहा होगा कि ध्रुव का विपरीत स्थिर कैसे हो सकता है, तो बताइए ध्रुव का विपरीत स्थिर कैसे हुआ। ध्रुव हमारा क्या होता है, पहले के टाइम में जब घड़ी नहीं थी ठीक है, समय बताने के लिए पहले के टाइम में जब घड़ी नहीं थी, तो जो हमारा ध्रुव तारा होता है ठीक है, ध्रुव तारा ये दिशा बताने के काम में आता था। तो ध्रुव तारा क्या है, वो हम ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थित होता है, इसलिए ध्रुव को क्या कहते हैं, ध्रुव को एक तरीके से यहाँ पे ध्रुव का अर्थ यहाँ पे स्थिर से है ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उत्तर दिशा में स्थित होता है, और पहले के टाइम में दिशा के ज्ञान के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग किया जाता था ठीक है। राइट सीव, राइट, वेरी गुड। हाँ तेज गौरव, वेरी गुड ठीक है। तो ध्रुव का अर्थ यहाँ पे स्थिर से है ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अस्थिर। धैर्य का अधैर्य ठीक है,
निरुगढ़ता का क्या हो जाएगा, रुगढ़ता। रुगढ़ता का अर्थ वही से है जो रुग्ण हो, मतलब जिस जो अस्वस्थ हो, ठीक है, जो बीमार हो, बीमार भी कह सकते, बीमार अस्वस्थ, ठीक है, आपका रुग्ण कहलाएगा, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निरुग्ण। तो उसी से आपका क्या बना है, रुग्णता और निरुग्णता बना हुआ है। दूषित, दूषित का विपरीत क्या हो जाएगा, सित। ये किस आपका कभी भी ये प्रश्न आपका आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो सित का अर्थ मैंने बताया था, सित का अर्थ क्या होता है, सित का अर्थ होता है निर्मल होना, ठीक है, निर्मल साफ, निर्मल साफ, स्वच्छ भी कह सकते हैं, ठीक है, स्वच्छ, पवित्र, पवित्र। सेंटेंस के हिसाब से इसके जो अर्थ है उसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो सित का अर्थ क्या होता है, निर्मल साफ स्वच्छ पवित्र। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दूषित। दूषित का अर्थ हो गया गंदा, ठीक है, दूषित का अर्थ हो गया गंदा। निर्दोष का विपरीत क्या हो जाएगा, सादोष। तो जिसमें दोष हो वो आपका सदोष कहलाएगा, और जो निर्दोष है मतलब जिसमें दोष ना हो, जैसे कि इनोसेंट है जो, वो आपका क्या कहलाएगा, निर्दोष, ठीक है। टकसाली, टकसाली का विपरीत हो जाएगा सामान्य। टीका, टीका का विपरीत क्या हो जाएगा, भाष्य। तो जो आपके ग्रंथ वगैरह होते थे, ठीक है, ग्रंथ, आपके ग्रंथ जो होते थे, तो ग्रंथों को जब कम शब्दों में लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, टीका, ठीक है, कम शब्दों में जब लिखा जाता है तो टीका कहते हैं। और भाष्य क्या होता है, भाष्य में अधिक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अधिक शब्दों का प्रयोग भाष्य में होता है और कम शब्दों का प्रयोग किस में होता है, टीका। तो टीका का विपरीत क्या हो जाएगा, भाष्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। घातक का विपरीत रक्षक होगा, ठीक है। नत, नत का विपरीत क्या हो जाएगा, उन्नत। तो उन्नत क्या है, मतलब उन्नत में आगे बढ़ना, उन्नत मतलब उन्नति से है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्रगति करना, ठीक है। और नत मतलब नीचे जाना, गिरावट आना, ठीक है, पीछे आना, ये आपका नत कहलाएगा। नेकी का क्या हो जाएगा, बदी हो जाएगा, ठीक है। निर्बुद्धि मतलब जिसमें बुद्धि ना हो, और बुद्धिमान जिसमें बुद्धि हो, ठीक है। निरुद्ध, निरुद्ध का विपरीत क्या हो जाएगा, अनिरुद्ध, ठीक है। निरुद्ध का विपरीत क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक तत्सम तद्भव रहेगा, ठीक है, तत्सम तद्भव नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज इसका एमसीक्यू करा देंगे, फिर आपका होली के बाद 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। संडे, संडे तो ऑफ रहता ही है, मंडे को फिर आपका छुट्टी होगी होली की, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से होली मनाइए, ठीक है। और उसके बाद हम अब मिलेंगे ट्यूजडे को, ठीक है, ट्यूजडे को। तो अनिरुद्ध का अर्थ होता है बाधा रहित होना, या कह सकते हैं कि व्यवधान रहित। अनिरुद्ध का क्या अर्थ होता है, बाधा रहित, या कह सकते हैं व्यवधान रहित होना, व्यवधान रहित, ठीक है, अनिरुद्ध, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा, निरुद्ध। तो निरुद्ध में क्या होगा, निरुद्ध में क्या होगा, बाधा आएगी। निरुद्ध में क्या आएगी, रुकावट आएगी। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो निरुद्ध का मतलब निरुद्ध में क्या होगा, रुकावट आएगी, उस कार्य में रुकावट आएगी। और अनिरुद्ध मतलब अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा वो कार्य क्या होगा, सुचारू रूप से चलता रहेगा। सुचारू रूप से मतलब व्यवधान रहित होकर चलता रहेगा। बढ़िया, अच्छा नाम है, ठीक है। रीना, गुड आफ्टरनून। हाँ गौरव, हैप्पी होली आपको भी, सभी को। अभी क्लास जब एंड होगी तो होली विश करेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद आपको मुलाकात हमारी होली के बाद ही हो पाएगी, ठीक है। और बढ़िया अच्छे से सब आप लोग मनाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा त्योहार है, ठीक है, कलरफुल त्योहार है। तो निराधार का विपरीत क्या हो जाएगा, आधार होगा, ठीक है। गूढ़, गूढ़ का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकट। तो गूढ़ कहते हैं गूढ़ पुरुष, तो मतलब जो रहस्य, जिस मतलब जो छिपा होता है, ठीक है, जो मतलब अपने बात को व्यक्त नहीं करता, अपने अंदर छिपाए रहता है, ठीक है, रहस्यमयी जो होता है, ठीक है, रहस्यमयी। तो गूढ़, गूढ़ का विपरीत हो जाएगा प्रकट, ठीक है, प्रकट हो जाएगा। तो अब हम आ गए, ठीक है, एमसीक्यू पे। आपका विलोम शब्द का टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। और इसमें जितने महत्वपूर्ण थे, जो आपके
प्रीवियस ईयर थे वो भी क्वेश्चन लिए गए थे, और जो आने की संभावना थी जिन जो एक्सपेक्टेड थे उनको भी लिया गया, ठीक है। तो जितना भी आपको करा दिया गया है इससे बाहर तो जाने वाला है नहीं। हाँ, अगर अभी कुछ छूट गया होगा, लगेगा कि हाँ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, तो जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय करा दिया जाएगा। बाकी जब आपकी थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगी तो आपकी एमसीक्यू की क्लास चलेगी, ठीक है, पीवाई की एमसीक्यू, तो उसमें भी आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेक करने के लिए आप लोग तैयार हैं कि कितना आप लोग को याद है? रेडी हैं आप लोग एमसीक्यू करने के लिए? आप लोग एक कमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अनुग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? विग्रह होगा, ठीक है, विग्रह होगा, राइट रिमस एनी राइट, ठीक है। और आग्रह का विपरीत क्या होगा? साथ के साथ आप बाकी ऑप्शन को भी देखते चले, आग्रह का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? दुराग्रह होगा, ठीक है, और अनाग्रह भी हो सकता है, ठीक है, अनाग्रह भी हो सकता है। परिग्रह, परिग्रह का विपरीत क्या होगा? परिग्रह का विपरीत हो जाएगा अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह होगा, ठीक है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? धन, किसी भी वस्तु संपत्ति या धन का संचय न करना, या आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक चीजों को रखना, आवश्यकता से अधिक जो है वस्तुओं को या संपत्ति को न रखना, ठीक है। संग्रह, संग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा, ठीक है, संग्रह का विपरीत आपका हो जाएगा, एकत्र भी हो जाएगा, या कह सकते हैं त्याग भी होगा, ठीक है, एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, ठीक है, त्याग। ओके, आगे बढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आवर्तक। आवर्तक का विपरीत क्या होगा? विजय राइट, सभी का क्वेश्चन, सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा? आवर्तक का विपरीत आपका क्या होगा? अनावर्तक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अनावर्तक। बाकी का देख लेते हैं, आवृत का विपरीत क्या होगा? आवृत का विपरीत हो जाएगा अनावृत, जस्ट मिनट, अनावृत होगा, ठीक है, प्राकर्षक का विपरीत विकर्षक होगा, ठीक है, वी कर्षक होगा, ठीक है, और यहां पे अपकर्षक भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के भी ऑप्शन है उनको भी साथ के साथ देखते चले, ठीक है। तो प्रकर्षक का विपरीत क्या हो जाएगा? विकर्षक भी आ सकता है और अपकर्षक भी आ सकता है, ठीक है। टू का बी, सभी का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित विलोम शब्दों में से सही युग्म को चुनना है, ठीक है, तो कौन सा युग्म सही है बताना है, कौन सा युग्म सही है बताएं। इप्सित अभिप्सित होगा, अमित समित होगा, ठीक है, हया बेहया होगा, या अघि नीरग होगा, कौन सा होगा? और एक हिंट दे दे रहे, इसमें एक से अधिक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये हिंट दे रहे कि इसमें एक से अधिक क्वेश्चन आपका सही है, मतलब दो इसमें सही है आपका, एक नहीं बल्कि आपका क्या है, दो सही है। क्वेश्चन नंबर सात में आप लोग डालें, ठीक है, ऐसे क्या हो रहा कि समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद ऑप्शन, ठीक है। तो हमें सही बताना है, तो आपका सी और डी दोनों सही होगा, ठीक है, सी और डी दोनों सही होगा। ओके, तो इप्सित का इप्सित का क्या होता है? इप्सित का आपका क्या हो जाएगा? अनिप्सित होता है, ठीक है, इप्सित का विपरीत क्या होता है? अनिप्सित, ठीक है,
और अमित का विपरीत समित नहीं होता, ठीक है, अमित का विपरीत समित नहीं होता, अमित का विपरीत हो जाएगा परिमित, ठीक है, परिमित। ओके आगे बढ़े, अघि का विपरीत नीरग होगा, और आरओ का एग्जाम आप जिसने भी दिया है क्वेश्चन आया था आपका, अघि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अघि का विपरीत नीरग होता है, और अघि का अर्थ यहां पे एक बार जो लोग नए हैं उनके लिए है, जो लोग नए हैं उनको उनके लिए है ये कि अघि को जानना बहुत जरूरी, अघ का अर्थ होता है आपका पाप, ठीक है, और अघि का अर्थ होता है क्या होता है पापी, ठीक है, पापी, तो अघ करने वाले को क्या कहेंगे, जो अघ करने वाले को क्या कहेंगे अघी, ठीक है, और नीरग का अर्थ क्या होता है, नीरग का अर्थ होता है निष्पाप, ठीक है, निष्पाप, तो पता होना चाहिए, तो अघि का विपरीत क्या हो जाएगा, नीरग हो जाएगा, हाँ राइट 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 जो है शिव चौहान। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म हमें क्या बताना, गलत है, ठीक है, गलत बताना है, तो देखिए कौन सा गलत है, मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का क्या हो जाएगा परिचर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, हाँ राइट, हर हर महादेव, बिल्कुल सही अर्थ लिखे हुए हैं, राइट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है, डी, क्योंकि अनुचर और परिचर दोनों समानार्थी है, अनुचर का अर्थ क्या होता है नौकर, ठीक है, नौकर का पर्यायवाची होता है अनुचर, परिचर, या दास का, दास बोल सकते हैं, तो दास का पर्यायवाची होता है अनुचर और परिचर, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्वामी बोल सकते हैं, मालिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, मालिक भी बोल सकते हैं, तो इसका विपरीत हो जाएगा, तो आपका इसमें गलत पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही है, ठीक है, बाकी तीनों आपके सही है। उपत्यका, उपत्यका का विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें, हाँ राइट डी, रीना क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर आया है, वेरी गुड, पर क्या करें क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालें, कोई बात नहीं, यहां पे गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तो हम अपने आप को चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां पे हम गलत करेंगे तो फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा। आसिफ हेलो, ठीक है, तो उपत्यका का विपरीत क्या हो जाएगा, अधित्यका, ठीक है, अधित्यका, उपत्यका का अर्थ क्या होता है, पर्वत के नीचे की समतल भूमि, ठीक है, और अधित्यका मतलब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ठीक है, अमेजिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी होली, किसका कमेंट है, पूर्वालोकन परीक्षा, देखिए ऐसा है ना कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो कुछ भी अच्छा काम करने चले या कुछ भी अच्छा करें तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ठीक है, बहुत सारी बाधाएं आती, पर हमें क्या करना है, उन बाधाओं को, उन बाधाओं पर विजय पाना है, मतलब उनको जीतना है, क्योंकि अगर हम अपनी आदतों को नहीं मतलब सही कर पाए, ठीक है, तो हमारे लिए आगे चल के क्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम जीवन में चाहें तो कर ना सके, कहते नहीं वेयर देयर इज विल देयर इज वे, मतलब चाह की राह होती, तो हम ऐसा नहीं है, जो हम चाहें कर सकते हैं, ठीक है, बस हमारा जो जो भी हम चाहें वो दृढ़ संकल्प होकर करें, ठीक है, अमेजिंग राइट, वेरी गुड अमेजिंग, आप बहुत दिन बाद, मतलब काफी दिन बाद आ रही हैं, कैसी हैं आप अमेजिंग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सभी का आंसर आ गया है, सभी का सही है, ठीक है, रिजु, रिजु का विपरीत क्या होगा, रिजु का विपरीत, मैं ठीक हूं अमेजिंग, मैं बढ़िया हूं, बिल्कुल अच्छी हूं, आप ठीक हो, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, तैयारी कैसे चल रही है, पिछले
पिछला भूल गया, कोई बात नहीं। देखिए जितना भी आपको पढ़ाया गया ठीक है, वो है, वो आपके लिए सफिशियंट है एग्जाम के लिए ठीक है। लेकिन दिक्कत ये कि आपको बार बार रिवाइज करते रहना होगा ठीक है। रिवाइज करते रहेंगे, जैसे आप वीक में रिवाइज कर लें, एक वीक के बाद आप जितना भी एक वीक में पढ़े हैं, एक दिन आप क्या कर लीजिए, एक दिन उसके रिवीजन के लिए रख लीजिए। तो बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे ना, तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिजु का क्या हो जाएगा, वक्र होगा ठीक है। रिजु का विपरीत क्या हो जाएगा, वक्र। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या बताना, विलोम की दृष्टि से एक युग्म हमारा क्या है, सही है, और हमें सही को बताना है ठीक है, सही बताना है। तो बताइए, तांडो का मांडो होगा, अनरित का रित होगा, मुक्त का विमुक्त होगा, विभावना का सद्भावना होगा, क्या होगा? ओ सीजन, एक्चुअली सीजन चेंज हो रहा है ना इस समय, ये जो मौसम है ये बहुत थोड़ा सा खराब है, इसमें क्या होता है वायरल हो जाता है ठीक है। तो सीजन चेंज होने में प्रॉब्लम होती है, तो अपना ध्यान रखें, सभी लोग अपना ध्यान रखें ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा ठीक है। अनरित का विपरीत क्या होगा, अनरित का विपरीत होगा रित। तो अनरित का अर्थ होता है असत्य, झूठ, और रित का अर्थ क्या होता है, सत्य। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। बाकी आपके ये तीनों गलत है। तांडो का मांडो नहीं होता, तांडो का क्या होगा, लाश्य होगा ठीक है। तांडो का क्या हो जाएगा, तांडो का आपका लाश्य होगा। मुक्त का, मुक्त और विमुक्त दोनों समानार्थी हैं, मुक्त और विमुक्त क्या है, समानार्थी है। इसका क्या हो जाएगा, बद्ध हो जाएगा, इसका हो जाएगा मुक्त, क्या क्या हो जाएगा, बद्ध हो जाएगा। विभावना और सद्भावना दोनों समानार्थी हैं ठीक है, दोनों समानार्थी हैं। 7 का बी ठीक है, हाँ गौरव राइट आंसर, 7 का बी होगा। रीना 7 का सी नहीं होगा ठीक है, क्योंकि जो आपका मुक्त और विमुक्त मतलब एक ही अर्थ होता है ठीक है, मुक्त और विमुक्त का एक ही अर्थ है ठीक है, मुक्त हो जाना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, बद्ध मतलब बंधन ठीक है, बंधन से होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उक्त का विपरीत क्या होगा, उक्त का विपरीत। उक्त का विपरीत हो जाएगा आपका, आप लोग आंसर करें, अनुक्त होगा ठीक है। उक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुक्त होगा ठीक है। उक्त का अर्थ होता है कहा गया ठीक है, कहा गया हो ठीक है, कहा गया। तो उक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुक्त ठीक है। उपयुक्त का विपरीत क्या होगा, अनुपयुक्त होगा ठीक है। उपयुक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त होगा, अनुपयुक्त हो जाएगा ठीक है। अच्छा दिया भी हुआ है ठीक है, ये दोनों विपरीत है एक दूसरे के, दिया हुआ है भी है ठीक है। और उपर्युक्त का मतलब, उपर्युक्त का अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हुआ हो ठीक है, उपर्युक्त। तो इसका हो जाएगा अधोलिखित भी हो जाएगा या निम्नलिखित भी हो जाएगा, अधोलिखित। अधोलिखित या कह सकते हैं निम्नलिखित। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूर्वालोकन आयुक्त नहीं होगा, आयुक्त पूरा अर्थ ही बदल जाएगा, आयुक्त ठीक है, आयुक्त नहीं होगा ठीक है। आयुक्त का अर्थ कमिश्नर होता है ठीक है, कमिश्नर होता है, तो आयुक्त बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। हाँ शिव राइट आंसर। अर्जन, अर्जन का विपरीत क्या होगा, सभी को पता होगा, इजी है ठीक है। तो अर्जन का क्या हो जाएगा, अर्जन का हो जाएगा बेयन ठीक है। अमृत का सभी को पता है विष होगा। अनर्थ का आपका क्या हो जाएगा, अनर्थ का अर्थ होगा ठीक है, अनर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, अर्थ होगा। अमृत का विष होगा, सभी को पता है ठीक है। तो अर्जित का, अर्जन का विपरीत क्या हो जाएगा, बेयन होगा ठीक है। अर्जन का विपरीत बेयन होगा, और अर्जित का विपरीत क्या हो जाएगा, अनर्जित होगा ठीक है, अनर्जित। ओके क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं ठीक है। प्रच्छन, प्रच्छन का विपरीत बताएं,
प्रच्छन्न का विपरीत नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं है वो, मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट है, ठीक है। वो मतलब वो काफी पहले से जुड़ी हुई है ना, काफी पहले से वो क्लास कर रही है। तो प्रच्छन्न का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। हेलो मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो अंकिता, हेलो। प्रच्छन्न का विपरीत क्या होगा? प्रतिपन्न होगा, ठीक है। प्रच्छन्न का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। तो प्रच्छन्न मतलब, प्रच्छन्न का अर्थ क्या हुआ? ढका हुआ, या कह सकते हैं छिपा हुआ, या अप्रकट, ठीक है, अप्रकट। और गुप्त भी, ठीक है, गुप्त भी प्रच्छन्न को ही कहते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न, मतलब जो चीज सामने हो, प्रकट हो और खुला हो, ठीक है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, सभी को पता है। अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध हो जाएगा, ठीक है। अप्रतिबद्ध का क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध हो जाएगा, ठीक है। गौड़ का क्या हो जाएगा? गौड़ का मुख्य हो जाएगा, ठीक है। गौड़ का मुख्य भी होता है और गौड़ का क्या होता है? प्रधान भी होता है। क्लियर है? 10 का भी राइट, रीना राइट आंसर। 10 का सी गौरव, 10 का सी नहीं होगा गौरव, 10 का बी होगा। ओके ओके सी हो रहा, मैं हट जाया करूंगी, ठीक है, हट जाया करूंगी। तो अभी अभी क्लियर है सबको? 10 का बी होगा। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? वोलम लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अधिष्ठित का विलोम हो जाएगा अनधिष्ठित, ठीक है, अनधिष्ठित होगा। सभी को दिख रहा है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है, 11 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, वादी का विपरीत क्या होगा? वादी का विपरीत आपका हो जाएगा प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी। तो वादी क्या, वादी किसे कहते हैं? वादी मुकदमा, जो मुकदमा करने वाला, ठीक है, मुकदमा करने वाले को वादी कहते हैं। तो जो पीड़ित पक्ष होता है, ठीक है, जो विक्टिम होता है, तो विक्टिम जब जाके मुकदमा करता है तो उसे वादी कहते हैं। और मुकदमा के बदले जब मुकदमा होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिवादी। हाँ राइट राइट, वेरी गुड। बाह्य का क्या होगा? बाह्य का विपरीत क्या हो जाएगा? इजी है, सभी को पता होगा। बाह्य का विपरीत आपका हो जाएगा अभियंतर, और इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपके यहां पर हैं, ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा, विजुअल नहीं है क्या? सभी को नहीं दिख रहा है कि सिर्फ सीयू को नहीं दिख रहा है? ठीक है, आगे से जब पीपीटी बनेगी ना, उसको थोड़ा मतलब सही कर देंगे, क्योंकि अभी तो इतना जल्दी सही नहीं हो सकता है ना, अब तो बन चुका है। तो ठीक है, तो सभी को दिख रहा है कि सिर्फ सीयू को नहीं दिख रहा है? और सबको दिख रहा है? हाँ राइट। तो आगे बढ़ते हैं। उपार्जित का विपरीत क्या होगा? उपार्जित का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ राइट, पूर्वावलोकन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, अनुपार्जित होगा। अब जो आज की क्लास में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ, और जो हमारी टेक्निकल टीम है वो अभी है नहीं, ठीक है। तो अब आगे की क्लास में इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे की क्लास में आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखेगा। हाँ अनुपार्जित, राइट, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होगा। विहित, विहित का विपरीत क्या होगा? विहित का विपरीत, हाँ राइट, अमेजिंग राइट। स्यू, स्यू 14 का डी कहाँ होगा? 14 का स्यू, आपका क्वेश्चन आंसर गलत है, ठीक है। विहित का विपरीत क्या होगा? 15 का आंसर करें, कोई बात नहीं, 15 का आंसर करें। 15 का हो जाएगा आपका, विहित का हो जाएगा निषिद्ध, निषिद्ध, ठीक है। आगे बढ़े, विहित क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है, वी। थैंक यू पूर्वा अवलोकन, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अधेव साय का विपरीत क्या होगा? ठीक है, अधेव साय का विपरीत क्या होगा? अगर आप एक बार अच्छे से रीड किए हैं ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद आंसर आ जाता है, पर आपको कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, आने के बाद ये हो जाता है कि कंफ्यूजन बहुत होता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? अन देवसाय हो जाएगा, बी, ठीक है, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? वी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आगे बढ़े। हाँ राइट गौरव, वी होगा, ठीक है। ध्वंस का सभी को पता होगा, ध्वंस का विपरीत क्या हो जाएगा? ध्वंस का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी होगा, हाँ राइट सीओ। सेवेंटीन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आवृत का विपरीत क्या होगा? आवृत का विपरीत अभी बताए थे, शायद हो भी चुका है शायद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है, सी। कोई बात नहीं, आराम से करिए, गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप गलत करेंगे तो फिर आपको आगे गलत नहीं होगा, ठीक है, आगे आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए, आपने पढ़ लिया, आपके कुल मिला के 5 क्लास हो गई, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना, ठीक है। रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएगा। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आप उसे, जो भी जितना पढ़े हुए हैं उसका एक बार रिवीजन कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होगा। अनादृत का विपरीत क्या हो जाएगा? अनादृत का विपरीत हो जाएगा आदृत, ठीक है, आदृत होगा। आवरण का विपरीत क्या हो जाएगा? अनावरण होगा, ठीक है, अनावरण होगा। अनाशक्त का विपरीत क्या हो जाएगा? आशक्त होगा, ठीक है, आसक्त होगा, ठीक है। 18 का सी, सभी का सही आंसर आया है, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। रीना, अमेजिंग, और पूर्वावलोकन, सभी का आंसर सही आया हुआ है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अनादृत का भी आप आदृत हो जाएगा, आवरण का अनावरण, और अनाशक्त का क्या हो जाएगा? आशक्त हो जाएगा। कृतज्ञ का विपरीत बताएं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19, कृतज्ञ का विपरीत क्या होगा? हाँ, गलती करने के बाद ही सुधार होता है, राइट। एक्चुअली जो आपका मार्गदर्शक बैच आया है, ठीक है, उसमें आपका क्या है, जो जीएस है वो सब्जेक्ट वाइज कराया जा रहा है। तो जैसे अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी जब खत्म होगी तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा कोई भी, वो आपका चलेगा, तो वो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, ठीक है। और आप आरओ का हो या जीएस आपका पीसीएस के लिए हो, दोनों की तैयारी आपका मार्गदर्शक बैच में कराई जा रही है, ठीक है। हिंदी का आपका अलग है, आरओ के लिए हिंदी का बैच आपका अलग कर दिया गया है, जो आपका रेगुलर यहां पर चलता रहेगा।
हाँ 19 का सी, वेरी गुड, राइट। क्रिपड़ का क्या होता है? क्रिपड़ का अर्थ होता है कंजूस, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा, उदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुरक्त का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुरक्त, साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, अनुरक्त का विपरीत। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर करें तब तक हम बाकी का। आगामी, ठीक है, अनुरक्त का आपका हो जाएगा विरक्त, ठीक है, विरक्त होगा। 20 का आपका आंसर सी होगा, ठीक है। प्रेम का क्या हो जाएगा? प्रेम का विपरीत हो जाएगा घृणा, ठीक है, घृणा। और आशक्त का विपरीत क्या हो जाएगा? अनाशक्त, अनासक्त। ओके, तो 20 का क्या होगा? सी होगा, राइट। रीना, अश्वनी, राइट, शिव, राइट, तो सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए शब्दों में हमें क्या बताना है? कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो हमें गलत बताना है इसमें, क्या बताना है? गलत, राइट रीना। तो गलत को बताना, तो देखते हैं कौन सा हमारा गलत है। अनुग्रह का आग्रह होगा, अनंत का शांत होगा, जड़ का चेतन होगा, आकृष्ट का विकृष्ट होगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर करें आप लोग। हाँ राइट, तो अनुग्रह का आपका आग्रह नहीं होता, ठीक है। अनुग्रह का आपका क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है। अनुग्रह का विपरीत क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। गलत इसमें कौन सा है? ए आपका गलत है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग जब लिखकर कमेंट उसका करते हैं, जैसे लिखकर जो कर रहे हैं, इससे और अच्छा है, क्योंकि जब आप लिखकर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको याद भी रहेगा हमेशा हमेशा। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। ठीक है, तो 21 का आपका क्या हो जाएगा? ए होगा, ठीक है। बाकी आपके तीनों सही है, ठीक है, तीनों आपके सही है। आगे बढ़ते हैं, गौरव आप क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सामिस का विपरीत क्या होगा? सामिस का कुछ गलत हुआ है क्या? गौरव आप क्या कह रहे हैं, कुछ गलत हुआ है क्या? मैंने कुछ गलत बोला क्या? तो सामिस का विपरीत क्या आप क्या हो जाएगा? निरामिस, ठीक है। सामिस का अर्थ होता है मांस खाने वाला, और निरामिस का अर्थ होता है मांस ना खाने वाला, ठीक है। इप्सित, ये आपका हो भी चुका है, ठीक है, रिपीट है। तो इप्सित का विपरीत क्या हो जाएगा? अनिप्सित, ठीक है। 23 का आंसर ए हो जाएगा, हाँ राइट, पूर्वालोकन, राइट रीना, राइट, ठीक है। उन्मूलन का विपरीत क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, उन्मूलन का विपरीत। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, हाँ अमेजिंग, वेरी गुड रीना, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा, ठीक है। उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का जड़ से समाप्त करना, जैसे कहते हैं टीबी उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन। तो जिस चीज को जड़ से समाप्त कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उन्मूलन कहते हैं। और इसका विपरीत हो जाएगा रोपण। रोपण मतलब किसी चीज को जड़ से लगाना, जैसे कि आपका क्या होता है? पौधा रोपण, ठीक है, पौधा रोपण। निमीलन का आपका विपरीत क्या होगा? निमीलन का विपरीत हो जाएगा उन्मीलन, उन्मीलन। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उन्मूलन पूछेगा तो रोपण करिएगा, ठीक है। 24 का डी
राइट आंसर। और निमिलन पूछेगा तो क्या करेंगे, उन्मिलन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, क्या गलती करेंगे कि उन्मिलन पूछता है और रोपण करके आंसर चले आते हैं, तो ये नहीं करना, ठीक है। उन्मूलन का रोपण होगा और उन्मिलन का क्या हो जाएगा, उन्मिलन का आपका निमिलन होगा, ठीक है, निमिलन। सभी का सही आंसर है, वेरी गुड। उद्दात, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें। उद्दात का विपरीत क्या होगा, उद्दात का विपरीत ट्वेंटी फाइव का सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्दत का क्या होता है, उद्दत का विपरीत आपका क्या होता है, विनीत, विनीत, ठीक है, विनीत हो जाएगा। क्षमावान, क्षमावान का हो जाएगा दयावान, ठीक है, नहीं सॉरी दयावान नहीं, क्षमावान का आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 26 को देख लेते हैं। हाँ सभी का सही है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विपरीत बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्कर्ष का विपरीत बताएं। ट्वेंटी सिक्स का सी हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष का विपरीत क्या होगा, अपकर्ष। हाँ राइट, अमेजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। हाँ आज शहीद दिवस है, ठीक है, राइट। सब तो आज ही के दिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु का और कौन थे, तीन लोग को फांसी दी गई थी, सुखदेव, ठीक है, सुखदेव, भगत सिंह और आपके एक कौन थे, इनका क्या हुआ था, इनको आज फांसी दी गई थी। तो आज शहीद दिवस है, ठीक है, तो उनको सत सत नमन, ठीक है। इन हमारे इन शहीदों को क्या है, सत सत नमन। आगे बढ़ते हैं। सुखदेव थे, राजगुरु और भगत सिंह, तीन लोग थे ना जिनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। मृषिड का विपरीत क्या होगा, मृषिड का विपरीत आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, रूक्ष होगा। मृषिड का विपरीत क्या हो जाएगा, रूक्ष, ठीक है। तो मृषिड का अर्थ क्या होता है, कोमल, मुलायम, और रूक्ष का अर्थ क्या होता है, कठोर। हाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। सुकुमार का विपरीत क्या हो जाएगा, कमासुत हो जाएगा, कमा सुत होगा, ठीक है। चिक्कन का क्या हो जाएगा, खुरदुरा, खुर दुरा, ठीक है। तो क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। मृषिड का विपरीत आपका रूक्ष होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म का विपरीत क्या होगा, सूक्ष्म का माइंड है, कभी कभी किसी से भी वो होता है ना, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, ठीक है, पर क्या होता है, माइंड होता है एक बार, कभी कभी थोड़ा सा वो होता है कि मतलब नाम लेने में टंग स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो टंग स्लिप हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि याद नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। संक्षिप्त का विपरीत क्या हो जाएगा, विस्तृत होगा, ठीक है, विस्तृत, विस्तृत होगा, ठीक है। बड़ा का आपका छोटा हो जाएगा, छोटा सभी को पता है, ठीक है। और विशिष्ट का क्या हो जाएगा, सामान्य, ठीक है, विशिष्ट क्या क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ओके
आगे बढ़ते हैं। हाँ राइट, अमेजिंग। अल्पज्ञ क्या क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अल्पज्ञ का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अल्पज्ञ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है, बहुज्ञ होगा, ठीक है, बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ मतलब अल्प धन, गा से बना हुआ है, मतलब जिससे ज्ञान कम हो, और बहुज्ञ मतलब जिसे बहुत ज्ञान हो, ठीक है। और अल्पज्ञ का सर्वज्ञ भी हो सकता है, ठीक है, सर्वज्ञ भी हो सकता है। विज्ञ का क्या होगा? विज्ञ क्या आपका होता है? अज्ञ। विज्ञ का विपरीत हो जाएगा अज्ञ, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो विज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ होगा। गौरव जो हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता, ठीक है, पर आप अपने जो लक्ष्य के प्रति एकदम लगे रहिए, ठीक है, सिलेक्शन लीजिए, आगे अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, आगे क्या होगा? आगे सब अच्छा होगा, बस एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उत्कृष्ट का विपरीत क्या होगा? उत्कृष्ट का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए गौरव, मैंने ये बोला ना कि जो हो गया वो वापस आ नहीं सकता। कुछ चीज क्या होती? अपने हाथ में नहीं होती। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो आपके हाथ में है उसके लिए तो करिए। आप आरओ में सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, आरओ बन जाते हैं और मेहनत करते रहेंगे, आप पीसीएस एसडीएम बन जाएंगे, तो क्या होगा? आगे और अच्छा होगा, जरूरी जो किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही ना, ठीक है। तो आगे क्या होगा? आगे तो आपका अच्छा होगा, हो सकता है इससे अच्छा आपके लिए हो कुछ, ठीक है, इससे अच्छा होने वाला हो आपके साथ। उत्कृष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? निकृष्ट, ठीक है, निकृष्ट। विकीर्ण का विपरीत क्या होगा? संकीर्ण होगा, ठीक है, संकीर्ण, संकीर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उद्दत का विपरीत बताएं। उद्दत का आई थिंक ये मैंने बता दिया, ठीक है, विनीत होगा, ठीक है। उद्दत का विपरीत क्या हो जाएगा? विनीत होगा। और पृथक का विपरीत हो जाएगा एकत्र, एकत्र भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है, ठीक है, संयुक्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है। अतिवृष्टि का विपरीत क्या होगा? आई थिंक सभी को पता होगा अतिवृष्टि का विपरीत। सी, ठीक है, 32 का सी हो जाएगा। सभी का राइट आंसर आ रहा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तुच्छ का विपरीत क्या हो जाएगा? तुच्छ का, हाँ राइट, अमेजिंग, वेरी गुड। तो तुच्छ का विपरीत क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी होगा, ठीक है, सी इसका होगा। क्षुद्र का विराट होगा और आपका क्या हो जाएगा? विशाल भी होगा, ठीक है, विशाल होगा। कायर का साहसी होगा, ठीक है, कायर का साहसी हो जाएगा। और महान तुच्छ का क्या आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 33 का सी, ठीक है, तुच्छ का महान, कायर का साहसी। और क्षुद्र का विपरीत क्या होगा? विराट हो जाएगा और विशाल हो जाएगा, ठीक है, विराट और विशाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतन का, हाँ वेरी गुड रीना, वेरी गुड। तो चिरंतन का विपरीत क्या हो जाएगा? नश्वर, ठीक है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, हाँ महान, वेरी गुड, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं,
गणतंत्र, गणतंत्र आपका क्वेश्चन नंबर 35, 35 का आंसर क्या होगा? परतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा, जनतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, डी, सी नहीं होगा, डी होगा। गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष होता है वो गणतंत्र कहलाता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? राजतंत्र। तो राजतंत्र क्या होता है? जहां पे राजा का शासन होता है, मतलब राजा का बेटा राजा होता है, या जो शासन होता है वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गणतंत्र का विपरीत क्या हो जाएगा? राजतंत्र। हाँ, डी सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? स्थावर का विपरीत क्या होगा? स्थावर का, हाँ, सी राइट आंसर। अश्वनी सभी का आंसर सही है, सभी का। गौरव, गौरव का भी आंसर सही है, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो स्थावर का क्या हो जाएगा? सॉरी, जंगम होगा, ठीक है, जंगम होगा। स्थावर का विपरीत क्या हो जाएगा? जंगम होगा, ठीक है। चेतन का विपरीत क्या होगा? अचेतन हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। चंचल का स्थिर हो जाएगा, और सचल का क्या हो जाएगा? अचल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी होगा, सभी का सही आंसर आ रहा है। गौरव, अमेजिंग, ठीक है, रीना, अनंत, अनंत बी, बी नहीं होगा, अनंत का आंसर गलत है, बी नहीं होगा, और सभी का आंसर सही है, ठीक है, हाँ, अमेजिंग, राइट। इहलोक, इहलोक का विपरीत क्या होगा? हाँ, इहलोक, थर्टी सेवन का बी होगा, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा? 37 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़े तो सेशन आपका यहीं समाप्त होता है, ठीक है, सेशन आपका यहीं समाप्त होता है।